मेरे को ऐसा है कि जो अपने दूसरे जो बोलते हैं ना यहाँ पे जो हॉरर मूवीज बनते हैं उनको जाके सीखना चाहिए, विक्रम भट्ट स्पेशली, स्पेशली विक्रम भट्ट सर को जाके उनसे ट्यूशन लो, देखो कि ऐसे बनाते अभी हॉरर मूवीज। वो टाइम गया जब बिपाशा बासु वो भूतनी बनती थी, उसके बाद उनके पास कोई अच्छी भूतनी नहीं आता है। तो देखो मैं बाकियों का नहीं जानती हूँ, लेकिन हमारा सपोर्ट हॉलीवुड इंडस्ट्री को शुरू से रहा है जब से दमन मूवी आई है। दमन के बाद प्रतीक्षा आई, उसके बाद काफी सारी मूवीज आई जिसको हमने रिएक्शन भी दिया एंड हमने ये भी कहा कि हम इस मूवी को सपोर्ट करेंगे। एंड दमन की बात करें तो दमन एक अलग कॉन्टेंट है, चंद्रमय का अलग कॉन्टेंट। हेलो एवरीवन, बॉलीवुड मैटनी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट फिल्मी सिकंदर। दोस्तों हॉलीवुड की एक हॉरर मूवी जो कि पैन इंडिया रिलीज हो रही है दोस्तों, उसका टीजर कल शाम को रिलीज हो गया, लेकिन दोस्तों उस पर मेरा आपने रिएक्शन दे दिया, लेकिन दोस्तों इस पर कमेंट्स आने लगे कि इस पर हमारी एक्सपर्ट बोले तो आपकी एक्सपर्ट प्रियंका जी का रिएक्शन करो। तो फाइनली जाके इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं हमारी एक्सपर्ट प्रियंका जी। तो प्रियंका जी प्लीज़ इधर आ जाइए आप, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। वो कहते हैं ना दोस्तों सलमान शाहरुख खान का एक डायलॉग था जीरो में कि जिसके पीछे हम लग जाते हैं उसकी लाइफ बना देते हैं, तो प्रियंका जी का कुछ ऐसा ही है कि जिनके पीछे ये लग जाती है ना उस मूवी का भी ये लाइफ बनाती है। जी हाँ दोस्तों, जब जब प्रियंका जी जिस मूवी को सपोर्ट की है उस मूवी का आपको पता ही है कि रिजल्ट क्या हुआ है बॉक्स ऑफिस पर और ऑडियंस को कितना प्यार मिला। तो चलिए हम अब चंद्रमा जो कि एक हॉरर मूवी है और प्रियंका जी ने इसका टीजर शायद रात को ही देखी थी, तो चलिए इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे इनको चंद्रमा का टीजर किस खास तरीके से पसंद आई। तो प्रियंका जी आप हमें जरूर बताएं कि आपको कैसी लगी चंद्रमा का। हॉलीवुड इंडस्ट्री ने तो हमें बोलते हैं ना डरा ही दिया इस बार, मतलब उम्मीद नहीं थी कि वहाँ से ऐसा भी कुछ देखने मिल सकता है। कल ही एक टीजर आया जिसका नाम था चंद्रमा एंड बिलीव मी और नॉट मेरी फट गई थी देख के, बिकॉज वो एक शॉट ऐसा, एक तो मैं कान में ब्लूटूथ लगा के मैं सुन रही थी और वो जब एक शॉट आया कुछ सेकंड का, एक या दो ही सेकंड का होगा, मेरे हाथ से मोबाइल छूट गया देख के। मैं इतना डर गई वो शॉट देख के, मतलब सोचा अगर थिएटर में मूवी आ गई तो क्या होने वाला है। मुझे लगता है कि मुझे ना बोलते ना बहुत सावधानी लेके जाना पड़ेगा, कहीं बोलते ना पैक खुद को पैक करके, कहीं ऐसा ना कि मुझे भी आके क्या पकड़ ले। पता नहीं हो सकता है क्योंकि फ्रेंड्स भी आजकल बहुत कमीने होते हैं, वो भी डराने में माहिर हो जाते हैं, तो वो तो सब साइड में रोको। लेकिन अगर टीजर की बात करो तो टीजर इज आउटस्टैंडिंग, मतलब टीजर नहीं हमें इतना बोलते हैं इतना लगा हो गया, जो ट्रेलर आएगा तो क्या होगा, क्या बात है। तो बहुत अच्छा लगा। भूमिका दास और प्रिया चौधरी जो इसमें आपको देखने को मिल रही है, जो भूतनी का रोल कर रही है उसका नाम है भूमिका, क्या कहेगा उनके बारे में? अभी टू बी ऑनेस्ट मैं उनके बारे में नहीं जानती, मैंने उनकी पहले कोई मूवीज नहीं देखी, लेकिन इसमें देख के पता चल रहा है कि वो कितनी अच्छी एक्ट्रेस है और उनकी एक्टिंग किस लेवल तक है पता चल रहा है। एंड जिस तरीके से वो मेकअप उनको दिया है ना, माई गॉड, मेरे को ऐसा है कि जो अपने दूसरे जो बोलते हैं ना यहाँ पे जो हॉरर मूवीज बनते हैं उनको जाके सीखना चाहिए, विक्रम भट्ट स्पेशली, स्पेशली विक्रम भट्ट सर को जाके उनसे ट्यूशन लो, देखो कि ऐसे बनाते अभी हॉरर मूवीज। वो टाइम गया जब बिपाशा बासु वो भूतनी बनती थी, उसके बाद उनके पास कोई अच्छी भूतनी नहीं मिली है। हॉन्टेड भी मिली थी, हॉन्टेड में मिली थी, लेकिन उसके बाद तो कुछ भी नहीं मिला है उनको। बराबर है। तो पता नहीं अभी यहाँ से तो मुझे कुछ उम्मीद नहीं है, लेकिन अगर ओडिशा से बात करूँ ना तो डायरेक्टर सर को मैं सल्यूट करना चाहती हूँ कि आपने इस तरीके का हॉरर बनाया, मतलब बोलते ना बच्चे तो देख भी नहीं पाएंगे वो मूवी, इतनी हॉरर है। एंड बैकग्राउंड भी देखो, वो जो बैकग्राउंड में हॉरर म्यूजिक लिया वो भी कितना खतरनाक लग रहा है, और भूमिका दास का एक है काजल लगा रही आँख में, वो भी कितना बोलते ना ऐसे डरावना लग रहा है, ऐसे लग रहा है कि नहीं इसके फेस पे ही देखो पता चल रहा है कि कितनी अच्छी एक्टिंग कर रही है। मतलब कि हॉलीवुड इंडस्ट्री जो कि हम लोग आज से चार महीना पहले शायद आप हो या हम लोग नहीं जानते थे, लेकिन दमन मूवी के आने के बाद मतलब कि हॉलीवुड को लोग जानने लगे जी, अच्छे अच्छे यूट्यूबर जो कि नहीं सपोर्ट कर रहे हैं वो लोग भी सपोर्ट में उतर रहे जी, उस पर क्या कहिएगा? सपोर्ट की बात है तो देखो मैं बाकियों का नहीं जानती हूँ, लेकिन हमारा सपोर्ट हॉलीवुड इंडस्ट्री को शुरू से रहा है जब से दमन मूवी आई है। दमन के बाद प्रतीक्षा आई, उसके बाद काफी सारी मूवीज आई जिसको हमने रिएक्शन भी दिया एंड हमने ये भी कहा कि हम इस मूवी को सपोर्ट करेंगे। एंड दमन की बात करें तो दमन एक अलग कॉन्टेंट है, चंद्रमय का अलग कॉन्टेंट है, टोटल डिफरेंस है। लेकिन मैं खुश हूँ कि हमें जो देखना है, जो हम चाहते हैं, वो हमें ओडिशा से देखने मिलने वाला है, ये बहुत खुशी की बात है। मतलब हॉलीवुड इंडस्ट्री अभी कंटेंट के मामले में देखा जाए तो अभी बाप निकला, बाप हाँ वही बोल रहा हूँ बाप निकला, देखो दमन ट्रू स्टोरी, प्रतीक्षा फैमिली एंटरटेनमेंट, अभी हॉरर में भी उन्होंने छाप छोड़ने वाले हैं जी। एंड उसके बाद और भी है, और भी काफ़ी सारे मैंने देखा है, अभी बहुत अपकमिंग उनकी मूवीज आने वाली प्रोजेक्ट्स लाइंड अप है। एंड मैं तो बोलूँ दमन के बाद अभी ये अगली मूवी आने वाली है पैन इंडिया लेवल पे, तो हिंदी में तो बोलते हैं ना पब्लिक पागल हो जाने वाली देखने के लिए, हो सकता है कि पब्लिक ना एक बार नहीं ज़्यादा बार देखने जाए, ऐसा हो सकता है। लेकिन आपको बता दें कि ये मलयालम में रिलीज हो रही है, हिंदी में
तेलुगु में, तमिल में, ओडिया में, लेकिन कन्नड़ा लैंग्वेज क्यों नहीं डाला, यही समझ में नहीं आ रहा। ये तो अभी वो डायरेक्टर्स को ही पता चलना चाहिए कि वहाँ पे हो सकता है वहाँ का कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिला हो उनको, ये भी हो सकता है। अभी हम कुछ नहीं बोल सकते, हो सकते वो डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढ रहे हैं उसके बाद वो अनाउंसमेंट करेंगे। मतलब हम कुछ नहीं बोल सकते, हमारे लिए हिंदी में आ गया बहुत बड़ी बात है, बिकॉज वो मेन होगी काफ़ी सारी मूवीज जो हिंदी में नहीं आती है, तो इसको हिंदी में लगे तो बहुत अच्छा किया है। मैं तो बोलती हूँ कि नॉर्थ ऑडियंस प्लीज़ ओडिया इंडस्ट्री की मूवीज़ को सपोर्ट करो। वो ऐसे आपने कन्नड़ा इंडस्ट्री का KGF देख के आपको कैसे कन्नड़ा की मूवी से प्यार होने लग गया, आप ओडिशा की मूवीज को एक बार सपोर्ट करो, आप वहाँ की मूवीज़ के लिए वेट करोगे, क्या बात है, ऐसा हाल हो जाएगा जैसे हमारा हाल हुआ है। तो हम तो बहुत खुश है कि वहाँ से इतनी अच्छी मूवीज़ आ रही है, हम सौभाग्यशाली है कि हमें ऐसी मूवीज़ को सपोर्ट करने का भी मौका मिल रहा है। और ऐसा होता है कि जो जिस मूवी को हम सपोर्ट करने लग जाते हैं ना, वो मूवी बोलते ना एंड तक उसको हमारा सपोर्ट रहता है, तो बस वही है। चलिए एंड में अगर इस टीजर को आपको रेटिंग देना तो 5 में से कितना दोगे? मैं कम दूंगी तो मुझे वो चुड़ैल आके मेरे को पकड़ तो नहीं लेगी? हो सकता है क्योंकि रात को आजकल चुड़ैल कभी भी कहीं भी आ सकती है। वैसे मुझे इससे याद है कि अभी स्टोरी उसकी बहुत ही खतरनाक लग रही है, मुझे लग रहा है कुछ बहुत ही गहरा सस्पेंस ऐसा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा हॉन्टेड लग रहा है जी। तो कुर्सी की बेटी बांध लो क्योंकि भूतनी आपको उठने नहीं देने वाली है। जोक्स अपार्ट, टीजर को मेरी तरफ से 4 out of 5। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट ट्रेलर कब आता है, उसके लिए हम वेट करेंगे। एंड जस्ट होप कि मूवी को जल्द से जल्द आए, क्योंकि वो देख के मुझे एक्साइटमेंट हो गया कि ये एग्जैक्टली क्या है, बिकॉज ओडिशा की पहली हॉरर मूवी आने वाली है, तो मेरे अंदर बहुत एक्साइटमेंट बढ़ गया है। तो ऑडियंस मुझे आप बताइए, ओडिशा के ऑडियंस अगर आपने उसका टीजर देखा है चंद्रमा का, तो आपको कितना पसंद आया? एंड इस मूवी को लेकर आपके पास कुछ खास अपडेट है तो प्लीज़ हमें बताइए, हम इसका इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं। एंड और भी कोई आपकी सवाल है तो हमें आप पूछ सकते हैं। तो मेरा वाला वीडियो पसंद है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, यानी कि मेकर्स तक मेरा मैसेज पहुंचे कि मुझे टीजर बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा हॉरर लगा कि मैं इतनी डर गई कि फ़ोन भी छूट गया, ये प्लीज़ उनको बताइए। तो मैं अगले वीडियो में तब तक देखते रहिए बॉलीवुड मैटिनी बॉलीवुड।